कहते हैं कि हौसला किसी का मोहताज नहीं होता। हौसले मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इस बात को सच साबित किया है धनबाद के कतरास के केवट टोला की रहने वाली संतोषी कुमारी ने। गुरुवार को जारी किए गए मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट में उन्होंने कुल 484 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान और राज्य भर में सातवां स्थान हासिल किया है। सुविधा और साधन के अभाव के बावजूद संतोषी ने वो कर दिखाया है जिससे उनका समाज और इलाके का भी नाम रोशन हुआ है। संतोषी के पिता दुलाल केवट घर घर जाकर मछली बेचते हैं और आज संतोषी की चर्चा घर घर जाकर मछली बेचने वाले दुलाल केवट की बेटी संतोषी की चर्चा आज घर घर में है। जिला टॉपर संतोषी ने मीडिया को बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आत्मबल कमजोर नहीं होने दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। संतोषी ने अपने राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय कतरास के अध्यापकों को श्रेय दिया है। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपनी माता लक्ष्मी देवी और पिता दुलाल केवट को भी दिया है। इसका श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहते हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं आने के लिए बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि डट कर हर चीज़ का सामना करो और आगे बढ़ो। मैं अपनी दीदी को, मेरे भैया, मेरी दीदी हमेशा हमको बोलती थी कि तुम ये कर सकती हो। मेरे भैया हमको हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत आगे बढ़ेगी। मेरे स्कूल के टीचर्स, हमारी क्लास टीचर स्नेहा मैम, राकेश सर, दीपा मैम, दीपाली मैम, अजीत सर, इस सब टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वहीं संतोषी की इस कामयाबी से विद्यालय के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा भी फूले नहीं समा रही। छात्राओं को भी हम यह कहना चाहेंगे कि उसे आदर्श मानकर, संतोषी को आदर्श मानकर वह उसी तरह मेहनत करे। वो काफ़ी मेधावी छात्रा है जो अभी जिला में प्रथम स्थान प्राप्त की है और इस तरह जो अभी 10 में गई है बच्चियाँ, वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर मेहनत करे और हमारे स्कूल का, विद्यालय का नाम रोशन करे, हम लोगों का इच्छा पूरा करे, यही हम चाहते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।